तो उस वक्त की बड़ी खबर, डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया है सरकार से। डीएमके के 5 मंत्री हैं, जिनमें से 1 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, डीएमके ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। श्रीलंका तमिल मुद्दे पर उन्होंने ये समर्थन वापस लिया है। यूपीए सरकार में डीएमके के 5 मंत्री हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और हमारे मैनेजिंग एडिटर विनोद कापड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, यहाँ पर जो आंकड़ों का खेल है उसमें भले ही सरकार को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन डिपेंडेंसी सरकार की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एसपी और बीएसपी पर। देखिए, एसपी और बीएसपी पर तो बढ़ जाएगी, लेकिन कल से समाजवादी पार्टी भी बहुत नाराज है। और पॉलिटिकल जिस तरह से सरकार ने पूरे मसले को हैंडल किया है वो बहुत इमेच्योर है, उसमें परिपक्वता की कमी है। सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास समय था, सोनिया गांधी के पास समय था, डीएमके की तरफ से जो चिट्ठी थी श्रीलंका के तमिलों को लेकर के, वो चिट्ठी थी वो बहुत पहले उनको चिट्ठी लिख दी गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो रिस्पॉन्स रहा, जो प्रतिक्रिया रही, वो बहुत धीमी प्रतिक्रिया रही। आप ये सोचिए कि चिट्ठी लिखने के कम 72 घंटे या उससे भी ज़्यादा 4 दिन के बाद सरकार की तरफ से 3 दूत पहुँचते हैं चेन्नई, और चेन्नई पहुँचने के बाद उन्होंने बात की कि हम इस मसले का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में जो मसला आने वाला था, जो बिल, जो प्रस्ताव आने वाला है, जिस पर 21 तारीख को प्रस्ताव पेश किया जाएगा और 22 को उस पर वोटिंग होगी, उस प्रस्ताव में जो संशोधन किए जाने थे उसकी आखिरी तारीख 18 मार्च को निकल चुकी है। कल उसकी आखिरी तारीख निकल गई है, तो डीएमके को कहेंगे कि तमिलनाडु की अपनी राजनीति करनी है, तमिल की अपनी राजनीति करनी है, और उस राजनीति के तहत अब डीएमके के पास भी कोई चारा इसके सिवाय बचा नहीं था कि वो सरकार से समर्थन वापस ले। इसमें ये भी देखना होगा श्वेता कि अब 7-8 महीने रह गए हैं आम चुनाव के लिए, तो 7-8 महीने पहले एक पोजीशनिंग डीएमके को, अगर अपने आप की अपनी सीटें, जो 18 सीटें भी उन्होंने जीती हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, उन 18 सीटों को भी बचाना है, तो ये पोजीशनिंग डीएमके को लेने के अलावा डीएमके के पास कोई रास्ता नहीं था। यानी कि विनोद, जो उनका प्रो तमिल इमेज है वो कहीं ना कहीं डीएमके खराब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा था डीएमके पर इस तरह के फैसले लेने का। जी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था श्वेता, क्योंकि श्रीलंका के तमिलों को लेकर के, चाहे वो डीएमके हो, अन्ना द्रमुक हो, जयललिता की पार्टी हो, तमिलों को लेकर के तमिलनाडु में तमिलनाडु का कोई नेता अगर हो और तमिलों के बारे में बात ना करे, तमिलों के हितों के बारे में बात ना करे, तो ये बिल्कुल असंभव सी बात है। लेकिन जो 3 मसले थे जिसके बारे में सरकार उन मसलों की गंभीरता को नहीं समझ पाई, वो मसलों को समझना बहुत ज़रूरी है कि करुणानिधि की जो पहली शुरुआती 2 मांगें क्या थी और उसके बाद तीसरी मांग क्या हुई। पहली शुरुआती मांग करुणानिधि की, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में भी उसका जिक्र है, पहली मांग डीएमके की ये थी कि श्रीलंका में जो तमिलों के इलम की मांग करने वाले, अलग देश की मांग करने वाले तमिलों के साथ श्रीलंका की सेना ने जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ अन्याय किया है, उसको युद्ध अपराध और नरसंहार घोषित किया जाए, युद्ध अपराध और नरसंहार घोषित किया जाए, ये उनकी पहली मांग थी। और ये मांग थी कि इस बात को, जो ड्राफ्ट यूएस की तरफ से स्पॉन्सर्ड ड्राफ्ट जो आया है, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में जो ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट में इसको शामिल किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, एक अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग बने जो कि निष्पक्ष हो, विश्वसनीय हो, और वो जो तमाम अपराध श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ हुए हैं, अलग देश की मांग करने वाले तमिलों के खिलाफ हुए, वो निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग उसकी जांच करे। ये 2 मांगे शुरुआत में उन्होंने की करुणानिधि ने, लेकिन कल डीएमके की तरफ से 1 मांग और जोड़ दी गई, और वो मांग ये जोड़ दी गई कि ये दोनों संशोधन भारत की संसद इसको अडॉप्ट करे, भारत की संसद से ये प्रस्ताव पारित हो कि भारत ऐसा चाहता है, और भारत इस बात को लेकर के दबाव डाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर कि साहब, जो आप 21 मार्च को जिनेवा में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो बैठक है जिसमें ये प्रस्ताव आने वाला है, उस प्रस्ताव में ये दोनों संशोधन पेश किए जाएं, ये बात आप रखें। लेकिन सवाल ये हुआ श्वेता
कि जो कल 18 तारीख गुजरी, 18 मार्च जो कल गुजरी, बिल्कुल विनोद, और इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कह रहे हैं, हम सीधे हम चलेंगे वहां पर। आई एम नॉट सरप्राइज, दिस इज ऑल ड्रामा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विड्रॉइंग योर मिनिस्टर्स एंड सपोर्टिंग? इफ दे आर सीरियस दे शुड राइट टू द प्रेसिडेंट दैट वी हैव विड्रॉन सपोर्ट। This will tomorrow after one month they will come back, new circumstance, communalism ko fight karna hai, desh khatra mein hai, these are useless symbols. I think Karunanidhi is scared of Jayalalitha and therefore he doesn't want to be left behind, that's why he will this create a pressure on UPA government to... no pressure. That resolution of the Americans is a very good resolution. India should support it 100% and Sri Lanka should abstain in the vote. विनोद, अभी आपने सुना कि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे, साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जयललिता से कहीं ना कहीं ये पीछे नहीं रहना चाह रहे थे करुणानिधि, इस वजह से इन्होंने फैसला लिया। कोई दबाव नहीं है सरकार पर, कांग्रेस पर? देखिए, दबाव तो इस वक्त एक देखिए पोजीशनिंग होती है राजनीति में, कई बार आपको जो चीज आप चाहते नहीं है उसके बाद भी आपको करना होता है, और यहाँ पर इनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं था। आपने चिट्ठी लिखी थी, ये पता है कि 18 मार्च कल आखिरी दिन था जिसमें संशोधन वो पेश किए जाने थे, कल तक वो संशोधन नहीं गए। तो अब आप अपने तमिल जो दे आपके दे, राज्य में जो तमिल हैं उनको आप क्या संदेश देते? उनको संदेश देने के लिए आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। मेरे ख्याल से राजीव रंजन भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इस पूरे यूपीए की राजनीति और यूपीए के घटनाक्रम पर बहुत बेहतर नज़र रखते हैं। राजीव रंजन एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक संवाददाता हैं। राजीव, ये जो कल गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे, चिदंबरम पहुंचे, सरकार की तरफ से तमाम दूत पहुंचे करुणानिधि को मनाने के लिए, क्या सरकार की तरफ से आपको लगता है जानबूझ के देरी की गई, टाइम बाय किया गया? देखिए, सरकार को पता था और सरकार निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि करुणानिधि की मजबूरी है कि वो कांग्रेस पार्टी को और यूपीए सरकार को समर्थन देती रहेगी। जिस तरह के हालात, राजनीतिक हालात तमिलनाडु में है, उसमें कांग्रेस को ये लगता है कि करुणानिधि कहीं नहीं जा सकते। शायद मुझे लगता है यहीं पर उनसे गलती हुई। और दूसरी बात यह है कि करुणानिधि ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकार स्टालिन को दे दिया है। स्टालिन और आजागिरी जो कि करुणानिधि के बेटे हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें 36 का आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं स्टालिन जो तमिलनाडु की राजनीति में बेहतर पकड़ रखते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उनका यह मानना था कि अगर कांग्रेस से अलग नहीं हुआ जाए, अगर समर्थन वापसी नहीं किया जाए, तो इसका बड़ा खामियाजा हमको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए करुणानिधि ऐसा सूत्रों के मुताबिक ऐसा नहीं चाहते थे कि समर्थन वापसी का भी तुरंत ऐलान किया जाए या फैसला दिया जाए। राजीव, सवाल यह है कि करुणानिधि को यह पोजीशनिंग तो लेनी थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कुछ आपको संकेत मिलते हैं कि अब ये कुछ नरमी भी आ सकती है डीएमके के रुख में? देखिए, निश्चित तौर पर एक ऑप्शन डीएमके हमेशा खोल के रखेगा और बार बार ये बात कहेगा कि फिलहाल की स्थितियों में हम ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन इस पर हम दोबारा विचार कर सकते हैं, क्योंकि डीएमके को ये पता है कि उसको अब राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का सहारा बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि डीएमके के जो नेता है, यहाँ तक कि करुणानिधि की जो पुत्री है, वो 2G के विवाद में है, जेल में गई थी। डीएमके के एक नेता राजा जेल में लंबे समय तक रहे थे, तो उनको ये पता है कि कांग्रेस से आने वाले दिनों में उनको रिश्ते खराब करके नहीं रखना है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस को भी उनको ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि ये जो तीन नेता मिलने गए थे, करुणानिधि ने ये सारी बातें कही थी, लेकिन सरकार राजीव रंजन हमारे साथ है श्वेता जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर राजीव भी यही कह रहे थे विनोद कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर इसको हम पॉलिटिकली देखें तो अपनी इमेज तमिलनाडु में भी इनको बनाए रखनी थी, और इधर सरकार से भी बिल्कुल यूपीए से खास करके कांग्रेस से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म नहीं कर लेने थे, इसलिए बीच का रास्ता अपनाया है। अभी कुछ पूरी तरह से साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा है, बस फिलहाल के लिए त्वरित इन्होंने कार्रवाई करते हुए समर्थन वापसी कर ली है। विनोद, देखिए, अभी जो इन्होंने किया है आपसे ठीक आधा घंटा पहले, तो ये तो एक सख्त कार्रवाई है, ये एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इस कार्रवाई से, इस तरह की जो कार्रवाई अभी भी राजनीति में होती है तो उसके बाद सरकार की साख पर बहुत असर पड़ता है, और जो कि पड़ भी रहा है। ममता बनर्जी चली गई सरकार छोड़ करके, उसके बाद एम करुणानिधि सरकार से छोड़ कर चले गए, अभी तक एम करुणानिधि की तरफ से सिर्फ समर्थन वापस लिया गया है, सरकार से समर्थन वापस लिया गया है, लेकिन
ये जो घटनाएं राजनीति में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार की साख पर और सरकार की सेहत पर जरूर असर पड़ता है। फिलहाल विनोद यहाँ आपसे ये भी समझना यहाँ पर हम चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस परिदृश्य में, आपको क्या लगता है कि क्या श्रीलंका के साथ बेहतर हमारे रिश्ते बने रहे, सरकार बेहतर रिश्ते बनाए रखे, ये मैसेज देना ज्यादा जरूरी था बनिश्वत कि डीएमके को अपने साथ रखना या हटाना? देखिए, इस जो ड्राफ्ट इनकी तरफ से गया था, जो चिट्ठी इनकी तरफ से गई थी करुणानिधि की तरफ से, डीएमके की तरफ से चिट्ठी गई थी, अगर उस चिट्ठी के जो दो प्रमुख मांगे थी, जिसमें पहली मांग तो ये थी कि जो अपराध वहाँ पर हुए हैं, जितने भी तमिलों के साथ जो ज्यादती वहाँ पर हुई है, उस ज्यादती को नरसंहार और युद्ध अपराध घोषित किया जाए, और दूसरा ये कि एक अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग बने। अगर ये जो चिट्ठी गई थी करुणानिधि की तरफ से, इस चिट्ठी में से एक मांग पर भी सरकार कुछ संशोधन करवा पाती है एनएचआरसी में, तो मुमकिन है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करुणानिधि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझा सकते थे। डीएमके के समर्थन वापसी पर सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया ने कहा है कि अभी वो डीएमके के इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती है। और इस मामले पर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मतलब उनसे उससे बाहर निकल गई, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बाहर निकलने के बाद भी सरकार की समर्थन करेंगे या इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, अब ये चीजें अभी अस्पष्ट है, तो उसको देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से अस्थिरता तो होगी, पहले से ही ये सरकार अल्पमत में थी, भारी सपोर्ट के आधार पर वो जिंदा रह गई, अब जो है वो अल्पमत और ज्यादा हो गया। और इसी खबर पर बने हुए हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। So we have taken note of the DMK's statement. Mr. Karunanidhi is a senior leader. He heads an important party. We have taken note of his statement, and his statement deserves all respect, and we have taken note of it. So what is the difficulty on Rockefeller? DMK wants you to include what? Genocide and murder on take your position at the UNHRC, as I said, we returned last night with the DMK's request. We have briefed the Prime Minister and the Congress President. Both requests of the DMK are under consideration. In fact, they were considered this morning, and they are under consideration. As I said, I do not know the position of each party. All I know is consultations have begun on the suggestion that Parliament should adopt a resolution. You are repeating the same question. You have heard the DMK President's statement on TV. There is no crisis. There is an ally who has withdrawn support and has said the decision can be reviewed if Parliament adopts a resolution.
और डीएमके के समर्थन वापसी पर पीछे दमरम कुछ बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं। This morning, in the hope that after question hour the debate will resume, but the Rajya Sabha did not function. I'm confident that the parties in the Rajya Sabha will find time to return the appropriation bill. We have taken note of the DMK's statement. Mr. Karunanidhi is a senior leader. He heads an important party. We have taken note of his statement, and his statement deserves all respect, and we have taken note of his statement. Sir, is it true that the DMK wants you to include words genocide and murder when you, you know, state your position at the UNHRC and have reservations on that? We returned last night with the DMK's request. We have briefed the Prime Minister and the Congress President. Both requests of the DMK are under consideration. In fact, they were considered this morning, and they are under consideration. As I said, I do not know the position of each party. All I know is consultations have begun on the suggestion that Parliament should adopt a resolution. You are repeating the same question. You have heard the DMK president's statement on TV. देखिए, इस पी चिदम्बरम ने जितना कुछ अभी कहा और जितना उससे समझ में आ रहा है, सरकार करुणानिधि की मांगों के सामने झुक गई है, पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है श्वेता कि डीएमके की ये ब्लैकमेलिंग है, और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा था कि ये डीएमके का ड्रामा है, ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य साबित हो रहा है। ये डीएमके का ड्रामा है। डीएमके ने एक पोस्चरिंग ली, एक पोजीशनिंग ली, एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग ली, और जिसके नतीजे उसको सामने देखने को मिल रहे हैं। तीसरी बात ये है कि डीएमके की जो मांग थी, कल शाम तक करुणानिधि ने जो बात कही कि आप पार्लियामेंट से आप दो, मैंने जिसके बारे में मैं लगातार बोल रहा हूँ कि दो डीएमके की मांग थी। पहली मांग ये कि श्रीलंका के तमिलों के साथ जो कुछ जाति हुई है श्रीलंका में, उसको युद्ध अपराध और नरसंहार घोषित किया जाए, ये प्रस्ताव में आना चाहिए। और दूसरी मांग ये थी कि जो श्रीलंका के तमिलों के साथ जाति हुई, उसको लेकर के एक निष्पक्ष विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग बने। इसको लेकर के ये दो मांगे हैं जो वो यूएस स्पॉन्सर्ड जो ड्राफ्ट है यूएनएचआरसी में जो आने वाला, उसमें शामिल हो। और साथ साथ कल उन्होंने एक नई बात की कि ये दोनों ड्राफ्ट, ये दोनों मांग, ये दोनों जो दोनों बातें हैं, ये दोनों अमेंडमेंट्स जो हैं, ये भारत की संसद में प्रस्ताव भी इस पर पारित हो। जिस तरह से आपको याद होगा कि पाकिस्तान को लेकर भारत ने एक निंदा प्रस्ताव संसद से पारित किया था, उसी तरह का प्रस्ताव Shri Antony, Shri Ghulam Nabi Azad and I called on the president of the DMK, Shri Karunanidhi, and other leaders of the DMK. We had a long and useful discussion. The DMK has earlier stressed, and they stressed yesterday, that when the resolution comes up before the UNHCR, India must move certain amendments. Yesterday, the DMK also said that Parliament should adopt a resolution on the Sri Lanka situation. We returned late last night, and we briefed the Prime Minister and the Congress President. As you are aware, the Congress President made a strong statement today in her address to the Congress Parliamentary Party. Following that,